तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक इशारे करने पर एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनेत्री से राजनेता बनी मिमी चक्रवर्ती अपनी कार में सोमवार की रात घर वापस आ रही थी, जब ये घटना गरियाहाट बल्लीगंज खेरी इलाके के पास हुई। अभिनेत्री मिमी जिम से अपने दक्षिणी कोलकाता स्थित निवास की ओर जा रही थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एक टैक्सी ने जादवपुर की सांसद मिमी की कार को ओवरटेक किया और अभिनेत्री पर कुछ भद्दी टिप्पणियां की। उन्होंने तुरंत टैक्सी ड्राइवर को बीच रास्ते में रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। मिमी चक्रवर्ती ने एक बयान जारी कर कहा, जब मैं अपनी कार में थी तब मैंने देखा कि मेरी कार के बगल में खड़ा एक टैक्सी ड्राइवर मुझे कुछ आपत्तिजनक इशारे कर रहा था। पहले मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसके बाद उसने मेरी कार को ओवरटेक करते वही हरकत की तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उसका पीछा किया और उसे पकड़वाया। मिमी चक्रवर्ती ने ड्राइवर के खिलाफ गरियाहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। ड्राइवर की पहचान लक्ष्मण यादव के रूप में की गई है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मिमी चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेत्री, गायिका और राजनीतिज्ञ हैं। वह बंगाली सिनेमा और टेलीविजन में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने से पहले वे एक मॉडल थी। वे मीना मिस इंडिया में भी भाग ले चुकी हैं। वह 2019 में राजनीति में शामिल हुई थी और उन्होंने जादवपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में भारतीय आम चुनाव लड़ा।